तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक प्रूफ दिखा देना चाहता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक को अप्लाई करके यार कितना बार 2-2 रुपीज करके, कितना बार 5-5 रुपए करके यार लूट चुका हूँ। ठीक है, अभी देखो मेरे वॉलेट में यहाँ पे 24 रुपीज है। ठीक है, अभी मैं व्हाट्सएप पे आता हूँ, यहाँ पे मैं व्हाट्सएप पे एक नंबर पे यहाँ पे कोड पेस्ट करता हूँ एंड सेंड कर देता हूँ। ठीक है, सेंड करने के बाद यार देखो मुझे यहाँ पे तुरंत एक रिप्लाई आएगा एंड दोस्तों मेरे पेटीएम वॉलेट पे यार इंस्टेंट के इंस्टेंट 2 रुपीज यार क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे 24 रुपीज है, मैं रिप्लेस करता हूँ, देखो यहाँ पे 26 रुपीज हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको भी ट्रिक जानना है तो वीडियो को लास्ट तक का वॉच करो, 100% यार प्रॉफिट करके जाने वाले हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को भान का एक ऐसा धमाकेदार ट्रिक देने वाला हूँ जिस ट्रिक को यार आप लोग अप्लाई करके 10+10 रुपीज करके अनलिमिटेड टाइम अपने पेटीएम अकाउंट में इंस्टेंट ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने जो पूरा का पूरा लाइव इस ट्रिक को अप्लाई करके इंस्टेंट अपने पेटीएम अकाउंट में पैसा लेकर दिखाने वाला हूँ। तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, 100% यार प्रॉफिट करके जाने वाले हो। ठीक है, और दोस्तों उससे पहले यार बस आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक ट्रिक स्पेशलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन आप देख रहे हो ना, वहाँ पे यार अभी के अभी प्रेस कर दो। दोस्तों यार प्रेस करने के बाद पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन भी आ रहा है उस पे भी क्लिक करके यार ऑल पे लेके सिलेक्ट कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूं तो नोटिफिकेशन जो यार सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो अभी का भी एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है और भी ज्यादा यार धमाका डालना हूं। ठीक है, अभी मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए डायरेक्टली आप लोग को ट्रिक जो है समझा दे। तो दोस्तों ये ट्रिक अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए डू मल्टीपल स्पेस पेटीएम और व्हाट्सएप। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके पास पहले से पेटीएम और व्हाट्सएप रहेगा तो आप लोग डू मल्टीपल स्पेस को वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके पास पैरेलल स्पेस है तो पैरेलल स्पेस लाइट पहले से है तो आप लोग उसका भी यूज करके ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को क्या करना है, भान पे साइन अप करना है। ठीक है, भान पे साइन अप करके आप लोग को अपना रेफरल कोड जो है निकाल लेना है। ठीक है, तो रेफरल कोड निकालने से पहले मैं आप लोग को अपना पेटीएम ओपन करके जो है प्रूफ दिखा देना चाहता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे कितना सारा पैसा जो है ऑलरेडी मैं यहाँ पे लूट चुका हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेटीएम को ओपन करके पासबुक वाले सेक्शन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देखो मेरे वॉलेट में अभी 20 रुपीज है। ठीक है, देखो मुझे यहाँ पे 2-2 रुपीज करके कितना बार रिसीव हो चुका है और मुझे यहाँ पे नीचे 5-5 रुपीज करके भी रिसीव हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को बहान पे जो है पर रेफरल का 2 रुपीज से लेकर 10 रुपीज तक मिलता है। ठीक है, अगर आप किसी भी फ्रेंड को रेफर करते हो ना या फिर रेफर बाईपास भी करते हो तो आपको एक रेफर बाईपास करने का या तो एक फ्रेंड को रेफर करने का आप लोगों को 2 रुपीज से लेकर 10 रुपीज तक अपने पेटीएम अकाउंट में इंस्टेंट मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें तो यार पैसों से मतलब है। अभी देखो आप लोगों को साइन अप कैसे करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको ओपन करने के बाद वहां पे एक लिंक रहेगा भान पे साइन अप लिंक नाम के। ठीक है, तो आपको उस लिंक पे जो है क्लिक करना है। ठीक है, लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग जो है ऐसे इंटरफेस पे यार आ जाओगे। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोग क्रोम पे रिडायरेक्ट हो जाओगे एंड रिडायरेक्ट होने के बाद आप लोग के सामने जो है ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, ऐसे इंटरफेस आपके सामने आएगा तो आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है। ठीक है, सेंड पे क्लिक करते ही आप लोग व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। एंड दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे साइन अप करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने साइन अप नहीं करके रखा है तो आपको एक कोड सेंड करने के लिए बोलेगा तो आपको उस कोड को जो है सेंड कर देना है। ठीक है, तो सेंड करने के बाद यार देखो आप लोग को एक रिप्लाई आ जाएगा। रिप्लाई आने के बाद आप लोग को रिप्लाई में जो है यहाँ पे 1 टाइप करना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं फ्लोटिंग को जो बंद कर लेता हूँ, अभी मैं यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ। ठीक है, 1 टाइप करके आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। ठीक है, 1 टाइप करके सेंड करने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे रिप्लाई में एक और चीज आएगा तो आपको यहाँ पे 1 कर देना है। ठीक है, तो 1 करने के बाद यार देखो आप लोग को यहाँ पे एक लिंक मिलेगा। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इस लिंक को आपको पहले भी दे सकते हैं, मतलब पहली बार 1 लिखते ही आप लोग को मिल सकता है या तो सेकंड टाइम में भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं, एक या दो बार में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलने के बाद आप लोग को इस लिंक को जो है कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप लोग को क्रोम ब्राउजर को जो है ओपन कर लेना है। ठीक है, तो मैं अपना क्रोम ब्राउजर को यहाँ पे ओपन यार कर लेता हूँ। ठीक है, तो ओपन मैंने यहाँ पे कर लिया। करने के बाद आपको जो लिंक मिला ना उस लिंक को यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, लिंक को आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद यार देखो आप लोग ऐसे इंटरफेस पे जो है आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे जो है यहाँ पे मनी का एक आइकन मिलेगा, आपको इस मनी वाले आइकन पे जो है क्लिक करना है। ठीक है, मनी वाले आइकन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे शेयर रेफरल लिंक करके एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको शेयर रेफरल लिंक पे क्लिक करना है और आपको सामने अगर ऐसा कुछ हीरो आता है ना तो बैक कर देना। बैक कर देने के बाद फिर से शेयर रेफरल लिंक पे क्लिक करना, उसके बाद आपको शेयर कर देना है। ठीक है, देखो मेरा यहाँ पे रेफरल कोड जो है शेयर हो चुका है। ठीक है, रेफरल कोड और रेफरल लिंक दोनों शेयर हो चुका है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इस रेफरल लिंक को कॉपी करना है, आपका रेफरल लिंक को। ठीक है, कॉपी करने के बाद यार देखो यहाँ पे नीचे यहाँ पे जो ये जो आइकन है ना, ये वाला आपका रेफरल कोड है। ठीक है, ये आपका रेफरल कोड है। अभी आपको इसको सिंपल से ऐसे करके इसके ऊपर टैप करना है और होल्ड करके रखना है, उसके बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है। देखो अच्छे से देख लो, यहाँ पे आपका रेफरल कोड जो कॉपी हो चुका है। ठीक है, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे अपना रेफरल लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप से आपको व्हाट्सएप पे ले आएगा और यहाँ पे सेंड करना है। देखो यहाँ पे आपका रेफरल कोड जो सेंड हो चुका है। ठीक है, आप ऐसे करके भी अपना रेफरल कोड जो निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप अपना रेफरल कोड निकालना तो सीख गए। ठीक है, अभी आप लोगों को ट्रिक कैसे अप्लाई करना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो
अच्छे से देखो, अभी आप लोगों को डू मल्टीपल स्पेस या तो पैरेलल स्पेस लाइट वगैरह कुछ भी ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आप लोगों को उसके अंदर में व्हाट्सएप को जो है ऐड करना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंडेड करूंगा कि आप लोग जो है डू मल्टीपल स्पेस का यूज करो। अगर आप लोग अनलिमिटेड टाइम करने वाले हो ना, तो आप लोग जरूर से जरूर डू मल्टीपल स्पेस का यूज करो, क्योंकि आप लोग इसके अंदर अनलिमिटेड टाइम व्हाट्सएप को ऐड कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे एक बार व्हाट्सएप को ऐड किया, उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फिर से यहाँ पे व्हाट्सएप को यार ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे करके आप लोग अनलिमिटेड टाइम यार व्हाट्सएप को जो है ऐड कर सकते हो डू मल्टीपल स्पेस के अंदर, ठीक है। आप लोगों को क्लियर डाटा भी करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने व्हाट्सएप को जो है ऐड कर लिया, ठीक है। व्हाट्सएप ऐड करने के बाद हम यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करके जो भी परमिशन आपसे मांगा जाता है उसको सिंपल से अलाउ अलाउ कर दो, उसके बाद व्हाट्सएप को जो है ओपन कर लो, ठीक है। ओपन करने के बाद यार आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आ सकते हैं, तो आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को जो है देख के कट कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से जो है इसको कट कर देता हूँ। तो यार देखो मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को जो है कट कट कर दिया, ठीक है। अभी कट करने के बाद यार देखो यहाँ पे आपका व्हाट्सएप जो है ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक नंबर डालना है, ठीक है। आपको अपना कोई भी एक नंबर डाल के यहाँ पे व्हाट्सएप पे सिंपल से साइनअप कर लो, ठीक है। व्हाट्सएप का कोई भी एक नंबर डालो यहाँ पे फटाफट से, डालने के बाद यहाँ पे साइनअप कर लो, ठीक है। कोई भी नंबर डाल सकते हो यार, पेटीएम वाला नहीं होना चाहिए, कुछ भी नंबर यहाँ पे डाल दो, ठीक है। यहाँ पे 835 बट आपका जो मेन अकाउंट होगा ना, आपका मेन अकाउंट का जो व्हाट्सएप नंबर होगा वो नंबर और आपका नंबर एक होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आप उसके बाद रेफर बाईपास करते टाइम कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नंबर डाला, नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया, ओके किया, ठीक है। ओके करने के बाद यार मेरे नंबर पे इंस्टेंट के इंस्टेंट एक ओटीपी आ चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओटीपी को लेकर यहाँ पे फटाफट से यार डाल देता हूँ, ठीक है। 829783, ओके मैंने यहाँ पे ओटीपी जो है डाल दिया। अभी ओटीपी डालने के बाद यार देखो यहाँ पे मेरा साइनअप हो चुका है, ठीक है। साइनअप होने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यार देखो यहाँ पे आपसे अपना नेम पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं अपना नेम दे देता हूं, आप लोग कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, इसका कोई मैटर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको दे दिया। देने के बाद यार देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपके डिवाइस के हिसाब से आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा एक लोडिंग लेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है वेट कर लेना, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करता हूं, मैं आप लोगों के सामने जो है पूरा का पूरा लाइव करता हूं। आप लोग भी वीडियो को स्किप मत करना, पूरा का पूरा जरूर से देखना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपका व्हाट्सएप जो है ओपन हो चुका है, ठीक है। व्हाट्सएप ओपन होने के बाद दोस्तों आप लोगों को जॉब फाइंडर का जो नंबर आपको मिला था ना व्हाट्सएप पे, आपको आपके पास व्हाट्सएप पे जो जॉब फाइंडर का नंबर है उस व्हाट्सएप का नंबर को आपको यहाँ पे सिंपल सा कॉपी करना है। देखो मैं यहाँ पे जॉब फाइंडर पे आता हूँ, जॉब फाइंडर पे आने के बाद ये वाला नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने डिवाइस पे, ओके। तो यहाँ पे मैं नंबर को डाल के सेव कर लेता हूँ फटाफट से। तो दोस्तों मैं यहाँ पे नंबर को जो है देख के यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। 820 मैंने यहाँ पे लिख लिया। देखो जॉब फाइंडर का नंबर को आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। 80502, ओके। तो 80502 मैंने यहाँ पे डाला। उसके बाद दोस्तों क्या आ रहा है, उसके बाद 05205, ओके। तो 05205 मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी आपको यहाँ पे इसको नंबर को जो है सेव कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट ए न्यू कॉन्टैक्ट करके जॉब फाइंडर नाम से इसको जो है सेव यार कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे जो है नंबर को यार सेव कर लिया है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे मैसेज पे क्लिक करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे जॉब फाइंडर का नंबर को जो है सेव कर लिया। क्यों सेव किया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी आप लोगों को डू मल्टीपल स्पेस के अंदर ऐड किया हुआ व्हाट्सएप को जो है ओपन करना है। अभी देखो यहाँ पे मेरा तो साइनअप पहले से मैंने करके रखा है। अभी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जॉब फाइंडर, ओके। मैं यहाँ पे जॉब फाइंडर को यार सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद देखो यहाँ पे मेरा जॉब फाइंडर जो है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपका जो रेफरल कोड था ना उस रेफरल कोड को सिर्फ आपको मैसेज कर देना है, ठीक है। बस आपको अपना रेफरल कोड जो है मैसेज कर देना है। देखो मैंने अपना रेफरल कोड पहले से यार निकाल के रखा है अपना मेन अकाउंट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेफरल कोड को टैप करके कॉपी कर लिया। अभी देखो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रेफरल कोड, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अभी रेफरल कोड डालने से पहले ना मैं अपना पेटीएम वॉलेट आप लोगों को चेक करा देता हूँ कि मेरे पास अभी जो है कितना पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने अपना पेटीएम जो ओपन कर लिया। अभी ओपन करने के बाद यार देखो मैं यहाँ पे पासबुक पे क्लिक करके पेटीएम वॉलेट पे जाके आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूँ। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे 22 रुपीज़ है मेरे वॉलेट में, और यहाँ पे मुझे लास्ट पेमेंट रिसीव हुआ है 8:25 को मुझे यहाँ पे लास्ट पेमेंट यार रिसीव हुआ है, ठीक है। अभी देखो मेरे वॉलेट 22 रुपीज़ है। अभी मैंने इसको यहाँ पे ऐसे करके आ गया। अभी देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको सेंड करता हूँ, ठीक है। आपको ऐसे करके अपना रेफरल कोड जो है सेंड कर देना है, ठीक है। तो रेफरल कोड यार सेंड करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा यार वेट करना है ट्रैफिक के हिसाब से। अगर ट्रैफिक ज्यादा रहेगा तो आपको रिप्लाई आने में लेट होगा, और ट्रैफिक अगर कम रहेगा तो आपको रिप्लाई आने में लेट नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे रिप्लाई आते ही तुरंत आपको बैक करना है। देखो मेरे यहाँ पे वॉलेट में पैसा ऐड हो चुका है, देखो 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, ठीक है। बूम गाइस यार देखो मैंने 8:32 में मुझे यहाँ पे एक और 2 रुपीज़ जो है रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो देखो यार कितना आसान ट्रिक है। बस आप लोगों को टू मल्टीपल स्पेस या तो किसी के भी क्लोन एप्लीकेशन के अंदर आपको व्हाट्सएप को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप लोगों को वहां पे जो है कोई भी एक व्हाट्सएप नंबर डाल के वहां पे साइन अप या तो साइन इन कर लेना है। करने के बाद आपको बस अपना रेफरल कोड जॉब फाइंडर के नंबर पे मैसेज कर देना है। बस आप लोगों को इंस्टेंट के इंस्टेंट 2 रुपीज़ से लेकर 10 रुपीज़ तक आपके पेटीएम वॉलेट पे यार मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि रेफरल कोड निकालना कैसे आप लोगों को पता ही है, तो आपको इस अकाउंट का कोई भी काम नहीं है। बस आपको इतना सा करने के बाद डू मल्टीपल स्पेस का चाहो तो क्लियर डाटा कर देना, या तो क्लियर डाटा
करने की बजाय आप लोग यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे ऐड का एक बटन रहेगा, ऐड के बटन पे यार क्लिक करके एक और व्हाट्सएप को ऐड करके ऐसे करके अनलिमिटेड टाइम आपके पास जितना भी नंबर है उतने नंबर से आप लोग साइन अप करके व्हाट्सएप पे साइन अप या तो साइन इन करके कोई भी एक व्हाट्सएप अकाउंट से मतलब कोड को सेंड करके जॉब फाइंडर के नंबर पे बस आपको व्हाट्सएप से कोड सेंड करना है। बट ठीक है, एक ही नंबर पे एक ही बार होगा, तो आप अपने दोस्तों के नंबर पे भी कर सकते हो, आप अपने घर पे जितने भी नंबर है उतने नंबर पे व्हाट्सएप ओपन करके भी कर सकते हो, ट्रिक का भी यूज कर सकते हो, जो मर्जी यार कर सकते हो, आप लोग को बिल्कुल इंस्टेंट पेमेंट मिलेगा। और दोस्तों मैं ये मानता हूँ अगर आप इतना लास्ट तक मेरी बातों को सुन रहे हो और वीडियो को लास्ट तक का देख भी रहे हो ना, तो आपको ये वीडियो जो है जरूर से जरूर पसंद आया होगा और आप इस ट्रिक को जो है अप्लाई करने ही वाले हो। ठीक है, तो उससे पहले यार बस आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो अभी का भी एक लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी का भी एक सब्सक्राइब का बटन पर जो है क्लिक करके सब्सक्राइब भी यार कर लो। बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत आपको थोड़ा सा ही मेहनत करना है, बस सब्सक्राइब के बटन पर जो है क्लिक करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए यार बाय बाय।